दोस्तों, अगर आपका माइक्रोवेव ज़्यादा करंट ले रहा है, ओवर करंट ले रहा है, 25-30 एम्प ले रहा है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है, वो आपको बताता हूँ मैं। ये जो मैग्नेट्रॉन है आपका, ये शॉर्ट हो सकता है। तो आपने करना क्या है, मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है, इसकी प्रॉप्स को मैग्नेट्रॉन के ऊपर लगाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है। तो इसके साथ अगर मैं बॉडी के ऊपर भी टच करता हूँ तब भी बीप साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये मैग्नेट्रॉन बिल्कुल शॉर्ट है। शॉर्ट होने की वजह से जो करंट है वो ज़्यादा ले रहा है हमारा माइक्रोवेव। इस कंडीशन में आपको ये पूरे का पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। या तो आप इसको निकाल के देख सकते हो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको चेंज ही कर दें, बिकॉज ये एक बार शॉर्ट हो गया है तो ये इन फ्यूचर भी आपको ऐसे ही प्रॉब्लम देता रहेगा। तो आपको दिखाता हूँ मैं माइक्रोवेव करंट कितना लेगा और इसकी क्या वैल्यू आएगी। जब आप इसका करंट चेक करोगे, उसके लिए आपको एक क्लैंप मीटर चाहिए। इसको आपने सेट करके इसी न्यूट्रल या फेस वायर के ऊपर इसे ऐसे लगा के रख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया है। और इसकी जो टर्मिनल है इसको आप वैसे ही लगा दें जैसे आपने पहले लगाए थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ज़्यादा टाइम यूज़ करें ओवर करंट के ऊपर। जैसे ही आपको मैं जस्ट चेक करवाने के लिए इसको अभी ऑन कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको बार बार ऑन ना करें, उसकी वजह से और भी इसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रांसफार्मर भी जल सकता है। तो आपको मैं जस्ट इसको चला के ही दिखा दूंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पावर आ गई है इसमें माइक्रोवेव में। ये देखिए इंडिकेटर जो इसका जल रहा है, और यहाँ पे मैंने क्लैंप मीटर लगा के रखा है। इसमें आपको अभी 0-0 शो कर रहा है। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो आपको यहाँ पे करंट जो है वो ओवर दिखेगा। तो मैं इसको जल्दी से चला के बंद कर दूंगा ताकि कोई और इसमें शॉर्टेज ना आए। ये देखिए 15 एम्पियर तक ये करंट ले रहा है। तो नॉर्मली ये 6 और 7 एम्पियर में ये बीच ही करंट लेता है, लेकिन अभी ये अपनी रेटिंग से 3 गुना 2 गुना करंट ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब इसका जो मैंने आपको मैग्नेट्रॉन चेक करके बताया, ये इसी के कारण ओवर करंट ले रहा है और ये किसी भी तरह का कुकिंग नहीं करेगा। तो आपको करना क्या होगा, इसको मैग्नेट्रॉन को चेंज करना है और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये डायोड भी कारण हो सकते हैं, लेकिन डायोड मैंने चेक किए थे वो बिल्कुल ठीक है, मैंने न्यू वाले लगा दिए हैं। तो मैंने इसकी वीडियो भी ऑलरेडी बनाई है मैग्नेट्रॉन टेस्टिंग की, इसके ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की, और इसका जो कैपेसिटर होता है हाई वोल्टेज का, उसकी टेस्टिंग की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसी ही वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।